अगली खबर सीएम सिटी करनाल से है, जहां ग्राम पंचायत मरग्यान घरोंडा के बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं गांव के सरपंच द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह करके गरीबों के मकान तोड़े जाने के विरोध स्वरूप लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रोष स्वरूप जिला उपायुक्त को अपनी मांगों से अवगत कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच व अन्य लोगों द्वारा प्रशासन को गुमराह करके गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, जिसमें दो विधवा महिलाएं भी हैं, उनको इस दौरान चोटें भी आई हैं। एक महिला को ग्रामीण चारपाई पर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन से दोबारा मकान बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि उस जमीन पर गुरु रविदास का मंदिर है और पिछले 40 वर्षों से यहां पर यह गरीब लोग रह रहे हैं, परंतु ग्राम का सरपंच लोगों को गुमराह कर गरीबों के मकान छीन रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के बाद उनको आश्वासन मिला था कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, परंतु उसके बाद भी यह लोग दूसरों के घर में रहने के लिए विवश है और इनके मकान तोड़े गए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से दोबारा मकान बनवाने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। धरना स्थल पर युवा बोलेगा मंच की ओर से भी समर्थन दिया गया और गरीबों के मकान जल्दी से जल्द बनवाने की मांग की गई और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। देखिए रिपोर्ट। मेरे गांव के अंदर ये त्रासदी जो है, सरपंच ने प्रशासन को गुमराह करके किया है। जो जमीन पीएससी के लिए सरपंच ने दी है वो पट्टेनामे में झूठ बोल करके दे दिए कि ये जमीन पाक और साफ है और इसमें पंचायत का कब्जा है, जबकि इन गरीब लोगों का 40 साल से उसमें मकान बने हुए हैं और उसी किला नंबरों में गुरु रविदास आश्रम है, शिव मंदिर है, गुरुद्वारा है। कौन से गांव में? ग्राम पंचायत मरगैन सर। आज किस लिए आए आप जी? आज सर हम डीसी साहब के पास आए हैं और सच्चाई बताने के लिए आए हैं कि जो हमारे मकान तोड़े हैं वो आपको गुमराह करवा करके सरपंच ने तोड़वाए हैं, इनको पुनः उसी जगह पर मकानों को बनवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से हम कल भी मिलने के लिए गए थे और 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने डीसी करनाल को फोन करके कहा था कि इनके पुनः मकान वहीं बनाए जाए, लेकिन अब तक डीसी करनाल ने या बीडीओ करनाल ने हमें कोई भी लिखित में नहीं दिया भी आपके मकान वहीं पर बनवाए जाएंगे या कोई और जमीन फला किला नंबर में रिजर्वेशन डाल करके कोई हमें नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री से मिल के आए दो बार तो ये, जबकि डीसी करनाल ने 11 तारीख को से भी हम 11 तारीख को यहीं बार एसोसिएशन में मिले थे, डीसी करनाल को वहीं मुख्यमंत्री ने मना किया था कि ठीक है ठीक है। आगे आज क्या करने जा रहे हैं आप? आज सर हमारी आज सच्चाई बताने डीसी करनाल को जा रहे हैं, इस महिला को दिखाने जा रहे हैं जिस महिला को मतमल देना मकान गिरने से एक हिस्सा खत्म हो गया। मरग्यान गांव में ये बूढ़ी माँ देख रहे हो, वहाँ 13 तारीख को अचानक कागजों की दखलंदाजी बेदखली करके और पंचायत बीडीओ और प्रशासन ने मिलकर के पुणे बनाए दो विधवाओं के मकान तोड़ दिए और तीन मकान तोड़े जिनमें दो विधवाएं हैं और 7 मई पंचायत का पंच का मकान दुकान ऐसी बनी हुई है। मतलब कहने तो वैसे तो हुआ तो गलत है सरासर, तो उस दिन के बाद ये बेचारी उठ नहीं रही है। उधर ये गांव वाले हैं, मैं तो खुद कल देख के आया हूँ, और ये कृष्ण जी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। हाँ जी, जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।